हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मंडेरीज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे क्वेश्चनों में पूछा जब मैंने स्टोरी डाली थी। आपने मेरा थंबनेल और टाइटल तो पढ़ लिया होगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैंने एक स्टोरी डाली थी नोवा से रिलेटिव कि नोवा कन्फर्म हो चुका है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में। फिर आपने कमेंट सेक्शन में और मेरे से पर्सनली मैसेज में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे कि भाई नोवा कैसे कन्फर्म है, हमने तो एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में नहीं देखा उसे। बस इसी डाउट को क्लियर करने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। अब इस न्यूज़ के बारे में बात नहीं करूंगा कि नोवा कैसे कन्फर्म है, पर जो मेरे को आपको डाउट क्लियर करने हैं इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बट उससे पहले आपके लिए एक सरप्राइज़ है जो कि मैंने इसमें काफ़ी सारे रखे हैं। तो स्टार्टिंग में न्यूज़ और एंडिंग में न्यूज़ है, और इस वीडियो की स्पीड भी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होने वाली है, यानी कि स्लो डाउन, क्योंकि पिछली वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, लोगों ने पसंद भी करा और उस पे व्यूज़ भी काफ़ी सारे अच्छे आए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं वुल्वरीन। आपको याद होगा 4-5 दिन पहले एक्समैन डेज था, यानी कि ह्यूग जैकमैन ने एक ट्वीट करा लाइफ टाइम रोल प्ले, यानी कि उन्होंने एक ऐसा ईस्टर एग, एक ऐसा स्पॉइलर दिया फैंस को, लाइफ टाइम दिस रोल, यानी कि वो इस रोल को करेंगे, ये चीज़ कंफर्म हो गई। तुरंत ही उसके बाद रियान जो कि डेडपुल का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उन्होंने भी एक पिक डाली और बोला स्पॉइलर अलर्ट। आप समझ सकते हो स्पॉइलर अलर्ट, यानी कि वुल्वरीन यानी कि ह्यूग जैकमैन ने वो कैरेक्टर छोड़ा नहीं है, क्योंकि कोई बंदा जब रिटायर हो जाता है तो वो लाइफ टाइम अपने साथ वर्ड यूज़ नहीं करता है। ये काफ़ी बड़े लोग हैं, काफ़ी समझदार लोग हैं, तो इन्होंने जानबूझ के ऐसा लिखा है जिससे कि थोड़ा मार्केटिंग में, और एक्समैन डे उस टाइम बहुत बड़ा डे था, तो ये एक समझ सकते हो कि फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आप जान लो कि 2020 से एमसीयू प्लान करना स्टार्ट कर देगा एक्समैन से रिलेटिव। तो वुल्वरीन जब हमें रिटर्न दिखाई देंगे तो पॉसिबली शायद हमें ह्यूग जैकमैन का छोटा सा एक कैमियो डार्क फोनिक्स में देखने को मिल जाए, और डेडपूल और वुल्वरीन हमें देखने को मिले इन फ्यूचर एमसीयू के अंदर। तो काफ़ी बड़ा अपडेट आने वाला है। देन उसी के साथ एक छोटा सा अपडेट एक और, आप सब जानते हो कि जुमांजी 3 रैप हो चुकी है, तो उसका बिहाइंड द सीन उनके डायरेक्टर ने लॉन्च करा जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसी के साथ अब बात करते हैं वो अपडेट के बारे में। तो अपडेट ये है कि नोवा कन्फर्म हो चुका है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में। अब कैसे, जब मैंने गार्डियन द गैलेक्सी मूवी देखी और मैंने जैसी नोवा क्रॉप्स का नाम सुना तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि इस मूवी में शायद नोवा कन्फर्म है, बट ऐसा नहीं हुआ। जब मैंने उसका मैप देखा तो सिंबल भी नोवा वाला था, जैसा कि आप जानते हो कि स्पाइडरमैन उसे उल्टी बाल्टी बोलता था टीवी सीरीज में। पर आपके मन में एक क्वेश्चन आया, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने कब जेंडर आया, कब उसने पूरे जेंडर को तबाह करा, और कब वो वहाँ से पावर स्टोन लेकर आ गया, और फाइनली हमें एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में ये कुछ भी नहीं दिखाया। आपने क्यों नहीं सोचा है सर? आपके मन में क्वेश्चन तो आया होगा कि थैनोस को पावर स्टोन एक्चुअल में मिल कैसे गया, थैनोस ने जेंडर पूरा तबाह कर दिया, ये हमें नेब्यूला ने कंफर्म करा इन्फिनिटी वॉर में, क्योंकि वो एक मैसेज सेंड कर रही थी, पर वो सीन डिलीट कर दिया गया एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में। पर इतना बड़ा जो सीन था जेंडर का, वो तबाह कैसे हो गया, और थैनोस को पावर स्टोन भी मिल गया। और अब अपडेट ये आया है कि नोवा कन्फर्म है गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में, और उसके ऊपर एक मूवी भी बन रही है। तो जी हाँ, ये सब एक प्लान था कि हम जेंडर को नहीं दिखाएंगे एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में, थैनोस को नहीं दिखाएंगे, पावर स्टोन को नहीं दिखाएंगे, उसने ये कैसे तबाह करा, ये जो स्टोरी बेस है इसको पूरा दिखाकर एक रेफरेंस में लेकर हमें गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में दिखाया जाएगा, और जेम्स गन की जो अपकमिंग मूवी है वॉल्यूम 3 उसमें हमें नोवा का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। देन उसी के साथ फिर हमें फाइनली मिलेगी गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 एक अच्छी स्टोरी के साथ, जिसमें हमें शायद थैनोस का रेफरेंस भी देखने को मिले, तो बहुत बड़ी बात है। और आप सभी जानते हो कि आगे की जो स्टोरी है वो काफ़ी इनक्रेडिबल होने वाली है। गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम के साथ साथ आपको पूरी टीम देखने को मिलेगी, और गमोरा का फ्यूचर प्लान भी है वॉल्यूम 3 में, और इनका सामना होगा एडम वॉरलॉक। अब एडम वॉरलॉक कौन है ये आप सब अच्छी तरीके से जानते हो, इसका रेफरेंस हमें गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में भी दिया गया था, उन्होंने जब हरा भरा बैटरी चुराई थी तो वहाँ पर भी एडम वॉरलॉक का साइन बनना था, आपने नोटिस करा हो। तो अगर एक पॉइंट से सोचा जाए तो गार्डियन द गैलेक्सी एडम वॉरलॉक से लड़ नहीं सकते किसी भी कीमत पे, क्योंकि एडम वॉरलॉक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। पर जैसा कि हमारे बड़ाओं ने बोला, यानी कैप्टन ने, कि लड़ेंगे तो साथ मिलकर, तो मार्वल ने ये सब पहले ही प्लान कर रखा था, उन्होंने जानबूझकर एवेंजर एंड गेम में थॉर को ऐड करा, जो कि अब इनक्रेडिबल है, गॉड ऑफ थंडर है, इसका जो लुक है वो एकदम काफ़ी खतरनाक है और कॉमिक से बिल्कुल मिलता जुलता है, यानी कि गॉड ऑफ थंडर, यानी कि अब थॉर के बाद और कोई बचा ही नहीं है, ना ओडिन वगैरह कोई नहीं, सिर्फ थॉर है जो कि काफ़ी ओल्ड हो चुका है, तो इसीलिए उसका ऐसा गेटअप बनाया। और आपको बता दूं
कि गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में स्टार लॉर्ड और थॉर की लड़ाई होती रहेगी, हाथ पैर वाली नहीं, सिर्फ ये कि मैं कैप्टन हूँ। ये बात कंफर्म करी नेबुला की एक्ट्रेस ने, यानी कैरन ने। तो बहुत कुछ अपडेट है इन फ्यूचर। अब आप सोचोगे थॉर का फैट होने का राज, थॉर तो लड़ नहीं पाएगा, पर नहीं, थॉर अब सही हो चुका है। अब मैं आपको छोटी सी स्टोरी और बता देता हूँ कि थॉर एक्चुअल में इतना फैटी और मोटा कैसे हो गया था। थॉर को एक्चुअल में सदमा बैठ गया था। अब आप कहोगे सदमा किस चीज का, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि थॉर की माँ मर गई थी, फिर उसके बाद थॉर का पूरा घर तबाह हो गया था एसगार्ड, फिर उसके बाद लोकी मारा गया एंड गेम में, आप सब जानते हो ओडिन भी नहीं रहे रैग्नोक में। उसके बाद थॉर ने जब थैनोस से बदला लेने की कोशिश करी तो थैनोस वहाँ पर स्नैप द फिंगर करके निकल चुका था, यानी कि टेलीपोर्ट हो गया था। तो इतने सारे सदमे लगने के बाद फिर थॉर ने फाइनली एवेंजर एंड गेम में सबके साथ मिलकर थैनोस को पकड़ा और उसकी गर्दन काट दी। अब उसके बाद थैनोस ने एक लाइन बोली थी, आपको याद होगा बहुत अच्छी तरीके से, कि अब कोई चारा नहीं है इन सबको वापस लाने का। तो थॉर को वहाँ से सदमा बैठ गया और उन्होंने ये सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया और वो सोचने लगा कि शायद मेरी गलती है, क्योंकि अब कोई चारा ही नहीं है, कोई वापस नहीं आ सकता, कोई किसी का कुछ भी नहीं। पर फाइनली टाइम ट्रैवलिंग होकर थॉर बना गॉड ऑफ थंडर, सब कुछ सही हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया। अब आप जानते हो कि लोकी भी अलाइव है, थैनोस एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन में जिंदा है अभी भी, और एवरीथिंग सब कुछ सही है आज के टाइम में। और फाइनली अब आपको देखने को मिलेगी इन फ्यूचर एज गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी। अभी ये नाम कन्फर्म नहीं है, फिर भी पॉसिबली मुझे जो लगता है, पर गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 ही नाम होने वाला है ऑफिशियली, क्योंकि नेम को चेंज नहीं कर सकते। अब इन फ्यूचर नोवा भी कन्फर्म है, एवरीथिंग आपको शायद डाउट भी क्लियर हो चुके होंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा अपडेट्स के बारे में। तो आज के दिन टुडे हमें ऑफिशियली एवेंजर एंड गेम के आर्टवर्क दिखाए गए फुल HD में। आपको अगर ये डाउनलोड करनी है तो ट्विटर अकाउंट पर आपको ऑफिशियली HD में ये मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। रेडिट अकाउंट पर केविन फाइगी ने दो चीज़ें कन्फर्म कर दी जो कि आपको हिला देने वाली है। इन फ्यूचर हल के लिए काफ़ी अच्छा प्लान सोच रखा है और उसका हाथ परमानेंटली डैमेज हो चुका है, यानी कि वो अब वो सही नहीं हो सकता। उसके बाद मैंडरिन कन्फर्म हो चुका है, जो कि आयरन मैन 3 में एक विलेन था, भले वो एक्टर था, एक फेक था, पर ओरिजिनल मैंडरिन हमें देखने को मिलेगा इन फ्यूचर, ये केविन फाइगी ने कन्फर्म करा। उसके बाद मिस्टीरियो इन फ्यूचर कन्फर्म हो चुका है, जो कि किसी ने कन्फर्म करा है। अगर आपको वो न्यूज़ देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आपको ये पोस्ट देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ कैप्टन मार्वल का ऑफिशियली बिहाइंड द सीन देखने को मिला, जिसमें कि वो स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं और देख रही हैं कि मेरा नेक्स्ट सीन कौन सा है। देन ऑफिशियली इन्फिनिटी वॉर का कर्वस ग्लेब का एक कॉन्सेप्ट आर्ट लॉन्च हुआ, कि इस तरीके से पहले कर्वस ग्लेब को वो दिखाने वाले थे पर ये कैंसिल कर दिया गया, शायद उन्होंने सही करा क्योंकि बहुत बुरा सा और अजीब सा और डरावना लग रहा है। देन उसके साथ मैंडरिन जो कैरेक्टर है जो हमें रिटर्न दिखने वाला है वो और कोई होने वाला है, यानी कि हमें आयरन मैन 3 का कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा जो कि ऑफिशियली मैंडरिन था, पर हवा में जो मैंडरिन देखने को मिलेगा वो डेंजरस होने वाला है। उसी के साथ लोकी की जो टीवी सीरीज आने वाली थी, रूमर ये है कि इन फ्यूचर डिज्नी प्लस पर वन शॉट एक पिक्चर आएगी लोकी की, यानी कि वो टीवी सीरीज नहीं निकालना चाह रहे हैं लोकी की। तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको जो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे हो या तो उस पे थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।